नमस्कार प्रणाम। वाह मोदी जी वाह, कमाल किया आपने बिहार के साथ। आखिर आपको बिहार के लोगों के साथ, बिहार के साथ आखिर इतना जलन क्यों है आपको? आप बिहार की जवानी, बिहार की पानी पे बहुत तेरे सवाल खड़ा करते हैं, उम्मीद भी जलाते हैं कि बिहार की जवानी में और पानी में बहुत ताकत है। आज बक्सर के रघुनाथपुर में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ जो दुर्घटना हुआ है, इस संदर्भ में आपने एक भी ट्वीट करना उचित नहीं समझा। अच्छी बात है कि आप आदि कैलाश के दर्शन के लिए गए हैं और आप योग मुद्रा में अभी लीन हैं, बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म में लीन होना चाहिए। लेकिन इस देश की पूरी जनता, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सिक्किम हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य की जनता आपकी अपनी जनता है, और सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है, विकास करने के लिए भी है। आपने एक ट्वीट करना उचित नहीं समझा है बिहार के लोगों के लिए और बिहार के इस घटना पे। कुछ दिन पहले उड़ीसा के बालासोर में एक रेल दुर्घटना हुआ था, रातों रात आप पहुंच गए वहां। मानना पड़ेगा आप अंतर्यामी हैं, कमाल के व्यक्ति हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था और उस समय आप एक विदेशी दौरे में थे, और उस समय जब लैंडिंग होने का जो समय था, लैंडिंग होने के समय में चंद्रयान, एक तरफ चंद्रयान की तस्वीर और एक तरफ आपकी तस्वीर दिखाई दे रही थी, वहां एक अचीवमेंट की लालच थी आपको। लेकिन बिहार के लोगों के साथ क्या है? इतना छलावा क्यों है प्रधानमंत्री जी? इतना तकलीफ क्यों है? इतना जलन क्यों है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने भी एक ट्वीट करना उचित नहीं समझा है। और तो और, मैं आप सभी को अश्विनी वैष्णव, जो हमारे देश के माननीय रेल मंत्री है, आपने भी एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा है। वाह, धन्यवाद है आप लोगों को, साक्षांग दंडवत है आप लोगों को। आप जैसा नेता बिहार को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए, कि जिसके अंदर छलावा भरा हुआ हो, जिसके अंदर जलन की भावना हो। क्या कसूर है बिहार के लोगों का? आपको 2019 में एनडीए गठबंधन के द्वारा 39 सीटें दी गई थी। किसी भी राज्य का आंकड़ा उठा के आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में इतना अधिक वोट एनडीए को नहीं मिला होगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। और आप लोगों ने बिहार के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। हालांकि उस दुर्घटना में जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है, चाहे जो भी नुकसान हुआ है, मैं तहे दिल से इसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता हूं कि मेरे दिल में आज क्या है, लेकिन मैं इस जलन को महसूस कर सकता हूं, इस जलन को समझ सकता हूं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप सभी को मैं टोटल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आप लोग देख के हैरान हो जाइएगा। दोनों तरफ मैं दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री जी का भी, रेल मंत्री जी का भी, और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह का भी दिखाऊंगा कि इन लोगों ने एक ट्वीट करना उचित नहीं समझा है। विजय राजे सिंधिया माता का आज जयंती था, इन्होंने खूब बढ़िया से जयंती मनाया, जयंती में लीन रही है महाराज। देश में कोई भी घटना घटे, दुर्घटना हो, उसके विषय में आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब वोट आएगा ना, तो फिर आप लोग आइएगा, मीडिया में बयानबाजी दीजिएगा, रैलियां कीजिएगा, सभाएं कीजिएगा। इसके लिए बिहार एकदम परिपूर्ण है। बिहार के लोग भी वैसे ही हैं कि ये नहीं सोचते कि हमारा विकास आखिर कहाँ होगा, कौन ऐसा नेता है जो विकास करेगा। अगर मैं दुर्घटनाओं का लिस्ट में दिखाने का कोशिश करूं, बताने का कोशिश करूं, कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन उन दुर्घटनाओं का लिस्ट समाप्त नहीं होगा। लेकिन आप लोग उसके प्रति एक संवेदना भी व्यक्त करने से रहे। इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ और अश्विनी वैष्णव जी, आप रेल मंत्री होकर के भी इससे बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस बात के लिए। बाकी जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।